Dear students, today's topic is the important uses of instead of, besides, and about to. You have to know how to use the phrase instead of and the phrase about to in your sentences, as well as you have to know how to use the word besides in your sentences. आपको आज phrase instead of, word besides और phrase about to का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किस स्थिति में किया जाए, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है. As you know, instead of is a phrase. इट मीन्स के बजाय, के अलावा. इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय, के अलावा. बिसाइड्स इज अ वर्ड. इट मीन्स के अतिरिक्त भी. बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त. एंड अबाउट टू इज अ फ्रेज विच मीन्स वाला, वाली, वाले. अर्थात इंस्टेड ऑफ का अर्थ के बजाय, के अलावा होता है और बिसाइड्स का अर्थ के अतिरिक्त होता है और अबाउट टू का अर्थ वाला, वाली, वाले. अब आपको इन तीनों के यूज हम कैसे वाक्यों में करेंगे उसकी जानकारी दी जा रही है. तो फर्स्ट है इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ का यूज किस तरह हम वाक्यों में करेंगे, आप उसके एग्जाम्पल को देखें. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, वह आम के बजाय केला खाया. There is a sentence before you. वह आम के बजाय केला खाया. अब इस वाक्य में के बजाय है. अब वाक्य का ट्रांसलेशन आपको करना है इंग्लिश में. You have to translate this sentence into English using instead of. आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोई भी वाक्य का जब ट्रांसलेशन आप करते हो तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फार्मूला के अनुसार वाक्य का अनुवाद करते हैं. पहले कर्ता रखते हैं, तब क्रिया, तब कर्म. तो वही तरीका इस वाक्य के भी ट्रांसलेशन में प्रयोग किया जाएगा. पहले कर्ता था सब्जेक्ट, वह, ही. सब्जेक्ट के बाद वर्ब खाया. लेकिन आपको ध्यान देना है कि वाक्य किस टेंस में, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा. तो आप जानते होंगे कि जब वाक्य अंत में क्रिया शब्द में आ, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का माना जाता है. तो या अंत में आया तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. एज यू नो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है. पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब सेकंड का यूज किया जाता है. खाया, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ही एट. सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ. अब नंबर आया ऑब्जेक्ट. लेकिन सबसे साधारण तरीका आप समझ लें, कर्ता आप रखे, सब्जेक्ट रखे, उसके बाद आपको पीछे से अर्थात वाक्य के सबसे अंत से आपको चलना है और फिर उल्टा आगे की ओर बढ़ना है, वाक्य का अनुवाद सही जाएगा. ही एट
छाया का इलिसेट हुआ, उसके बाद आपको सीधा उल्टा चलते हुए आगे की ओर आना। केला है, बनाना के बजाय इंग्लिश रखेंगे इंस्टेड ऑफ। शेष बचा आम, आ मैंगो। तो वह आम के बजाय केला खाया, ही एट अ बनाना इंस्टेड ऑफ अ मैंगो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन का यही तरीका है, सब्जेक्ट आप रखें, फिर वर्ब रखें और सीधा आप पीछे से आगे की ओर आए, आपका अनुवाद सही जाए। तो कर्ता, क्रिया, कर्म और कॉम्प्लीमेंट सब सही ढंग से वाक्य में बैठ जाएंगे। अब कोई निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया जाए। सीमा कहानी के बजाय कविता पढ़ती, अब इस वाक्य का आपको ट्रांसलेशन करना है जैसा कि निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं दे रहा था। सीमा कहानी के बजाय कविता नहीं पढ़ती, आप यहां नहीं ऐड करना। सीमा कहानी के बजाय कविता नहीं पढ़ती। अब आपको पहले ये पता करना है कि वाक्य किस टेंस का और कैसा वाक्य। तो वाक्य के क्रिया को देखने से पता चलेगा कि वह वाक्य किस टेंस का। यहां आप देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं। वाक्य के अंत में ती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते हैं आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है। तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा वाक्य है? नहीं आपको दिखाई दिया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ये भी आपको मालूम होगा। डज नॉट, डू नॉट, अगर कभी नहीं हो तो नेवर। तो यहां निगेटिव सेंटेंस होने के नाते, नहीं वाक्य में होने के नाते, डज नॉट अथवा डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नंबर के लिए डज नॉट और प्लूरल नंबर के लिए डू नॉट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट अथवा डू नॉट, उसके बाद क्रमशः वही तरीका जैसा आपको बताया गया, क्रिया, कर्म, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखे सीमा, उसके तुरंत बाद आप अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो सीमा सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज नॉट डू नॉट, निगेटिव का। तो यहां सीमा के लिए डज नॉट, सीमा डज नॉट। अब आपको पुनः वही तरीका अपनाना है, वर्ब रखें और पीछे से आगे की ओर बढ़ते चले। डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट पार्ट यूज किया जाएगा रीड, कविता, अ पोएम के बजाय इंस्टेड ऑफ। कहानी, अ स्टोरी। वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ सीमा डजंट रीड अ पोएम इंस्टेड ऑफ अ स्टोरी। सीमा कहानी के बजाय कविता नहीं पढ़ती। दोनों वाक्यों में इंस्टेड ऑफ का प्रयोग किया गया और आपको ट्रांसलेशन का तरीका बताया गया कि किस तरह से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सही स्वरूप देंगे वाक्य में। अब एग्जांपल इंट्रोगेटिव वाक्य का हो, जैसे क्या तुम इतिहास के बजाय
हिंदी पढ़ोगे? क्या तुम इतिहास के बजाय हिंदी पढ़ोगे? यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वर्ब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल अथवा शैल का प्रयोग होता है। ऑलरेडी यू नो कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, बल्कि उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं, वही क्या का अर्थ निकाल देते हैं। ऐसा आपको मालूम है। तो क्या से वाक्य की शुरुआत है, ग्रामर के अनुसार क्या की इंग्लिश व्हाट लिखना नहीं है। हम अगर वाक्य के जिस टेंस से संबंधित वाक्य है उसकी सहायक क्रिया पहले रख देंगे तो वही क्या का अर्थ निकाल देंगे। तो यह फ्यूचर टेंस का है, विल शैल होता है। आप सब्जेक्ट देखेंगे तुम है, यू है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, आप विल रख दें, विल। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, वही तरीका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू, अपने आप वही तरीका अपना पीछे से आगे की ओर है पढ़ना। विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, विल यू रीड। हिंदी इधर आप पीछे से आगे की ओर आएंगे के बजाय, इंस्टेड ऑफ। इतिहास, हिस्ट्री, क्वेश्चन मार्क। विल यू रीड हिंदी इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री? क्या तुम इतिहास के बजाय हिंदी पढ़ोगे? इस प्रकार अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के माध्यम से आपको बता दिया गया कि इंस्टेड ऑफ का यूज आप कहां करेंगे। अब सेकंड है बिसाइड्स, यही वर्ड है। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त भी। अब इसका यूज आप करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, आप समझेंगे कि कैसे बिसाइड्स का यूज किया जाए। जैसे इसी बात को उदाहरण के लिए ले लिया जाए, वह आम के अतिरिक्त केला भी खाया। अब इस वाक्य में के अतिरिक्त यहां दिखाई दिया और साथ ही साथ भी शब्द भी दिखाई दिया, लेकिन भी का अंग्रेजी अलग से कुछ नहीं रखेंगे, अर्थात भी के लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं रखा जाएगा, बिसाइड्स में ही वह सम्मिलित रहे। के अतिरिक्त भी, बिसाइड्स दोनों का अर्थ निकालेंगे। पुनः वही तरीका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही पास्ट डेफिनिट है, एट बनाना, बिसाइड्स अ मैंगो, ही एट अ बनाना, बिसाइड्स अ मैंगो, वह आम के अतिरिक्त केला भी खाया। इस प्रकार इंस्टेड ऑफ के स्थान पर के अतिरिक्त के नाते बिसाइड्स का यूज किया गया और सब रूल पहले वाक्य के अनुसार इसमें फॉलो किया गया। जैसा कि निगेटिव का एग्जांपल हो, रेखा चाय के अतिरिक्त
कुछ नहीं, आई अथवा ली आदि जो भी, तो रेखा चाय के अतिरिक्त कुछ नहीं ली, यहां कुछ भी नहीं ली अगर करेंगे तो सुटेबल बन जाएगा। तो रेखा चाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ली, अर्थात कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं। अब आपका इसको ट्रांसलेशन करना है, पुनः वही रूल, सब्जेक्ट रेखा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया था। अब यहां कुछ नहीं है, नेगेटिव है सेंटेंस, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं का अलग से एक वर्ड है नथिंग, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए डिड का भी प्रयोग इस वाक्य में न करें, उचित माना जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हुए नथिंग का प्रयोग कर दिया। रेखा टूक नथिंग, रेखा टूक नथिंग, रेखा कुछ नहीं ली, कुछ नहीं खा के अतिरिक्त का है इंग्लिश बिसाइड्स, टी रेखा चाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ली, रेखा टूक नथिंग बिसाइड्स टी। इस प्रकार कोई इंटरोगेटिव का एग्जांपल हो क्या मोहन अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी बोलता है? नेगेटिव सेंटेंस, क्या मोहन अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी बोलता है? पहले आप पता करेंगे किस टेंस का वाक्य है और कौन सा वाक्य, वर्ब देखेंगे ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डज अथवा डू, क्या से वाक्य की शुरुआत है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज, डज मोहन क्या से वाक्य की शुरुआत हुई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखे, उसके बाद कर्ता क्रिया कर्म रखेंगे, तो मोहन हो गया कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, उसके वर्ब का नंबर आया डज मोहन बोलना। आपको मालूम है कि है हूं की अलग से इंग्लिश प्रेजेंट डिफिनिट में इज आर एम का प्रयोग होता नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज अथवा डू का प्रयोग होगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो डज मोहन स्पीक हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश बिसाइड्स अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश, डज मोहन स्पीक हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी बोलता। इस प्रकार बिसाइड्स का यूज तीनों वाक्यों में किया गया, आपको अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के माध्यम से बताया गया कि बिसाइड्स का प्रयोग आप कैसे करेंगे कहां करेंगे। अब तीसरा है अबाउट टू, अबाउट टू इज अ फ्रेज, आपको मालूम होगा कि फ्रेज कोई भी वर्ड जब सिंगल होता है तो वह वर्ड है, और जब उस वर्ड के आगे कोई अन्य वर्ड भी जुड़ जाए और एक स्वरूप ले ले तो उसे फ्रेज कहा जाता है।
वाक्यांश कहा जाता है। जैसे गिव, गिव मीन्स देना, और जब उसी में गिव अप कर दिया, एक और वर्ड जुड़ गया अप, तो अब फ्रेज बन गया, गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना। उसी प्रकार इंस्टेंट, फिर आप, अबाउट टू, तो फ्रेज का रूप ले लिया। अबाउट टू का अर्थ वाला, वाली, वाले। किसी भी वाक्य में अगर वाला, वाली, वाले का यूज किया गया है तो अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गांव जाने वाला है, सीता गीत गाने वाली है आदि। एग्जाम्पल देखें पहले अफर्मेटिव का, सीता एक मधुर गीत गाने वाली है। सीता एक मधुर गीत गाने वाली, ध्यान रहे कि वाला, वाली, वाले जितने भी वाक्य होंगे उसमें वाक्य के अंत में है हूं हो अथवा था थे थी आता है तो उसकी भी अंग्रेजी रखी जाए। तो सीता एक मधुर गीत गाने वाली है, ट्रांसलेशन का तरीका वही रहेगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सीधा पीछे से आगे की ओर आएंगे, अनुवाद सही जाएगा। सीता, अब आपको है हूं अर्थात इज आर एम का यूज भी करना है। सीता इज, अब आपको पीछे से आगे की ओर आना है, वाली, अबाउट टू, अबाउट टू के साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होगा, गाना, सिंग, अबाउट टू सिंग, मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। तो सीता इज अबाउट टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत गाने वाली। निगेटिव का एग्जाम्पल दिया जाए, विद्यार्थी मैदान में कभी नहीं जाने वाले हैं। विद्यार्थी मैदान में कभी नहीं जाने वाले। पुनः वही तरीका, सब्जेक्ट रखें, विद्यार्थी आप प्लूरल नंबर में, स्टूडेंट्स पुनः आप पीछे से आगे की ओर आए, हैं, आर, निगेटिव हो गया तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, ना नहीं हो तो नॉट, कभी नहीं हो तो नेवर, आर नेवर, वाले, अबाउट टू, गो, मैदान में, इन द फील्ड, विद्यार्थी मैदान में कभी नहीं जाने वाले हैं, स्टूडेंट्स आर नेवर अबाउट टू गो इन द फील्ड। इस प्रकार अगर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, तुम आज वहां क्यों जाने वाले हो, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि यह कैसा इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य में पहले क्या नहीं है बल्कि बीच में क्यों है, अर्थात इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो आपको अनुवाद करने का तरीका मालूम होगा कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश व्हाई, और क्वेश्चन वर्ड के लिखने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को तुरंत रखा जाए, हो, आर, उ
उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, व्हाई आर यू, अब आप पुनः पीछे से आगे की ओर आए, अबाउट टू वाला, जाना गो, व्हाई आर यू अबाउट टू गो वहां देयर। अब बचा आज, टुडे, क्वेश्चन मार्क, व्हाई आर यू अबाउट टू गो देयर टुडे, व्हाई आर यू अबाउट टू गो देयर टुडे। इस प्रकार आपको अबाउट टू का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे और कैसे करेंगे यह जानकारी देंगे। तो आपको इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स एंड अबाउट टू, तीनों के प्रयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे इसको बताएंगे। आई होप कि आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स और अबाउट टू का यूज करेंगे वाक्य में। आप इसके माध्यम से अपना प्रैक्टिस करिएगा, हर एक फ्रेज और वर्ड जो भी है उसके माध्यम से आप वाक्यों का अनुवाद कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। माय बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच।